नमस्कार दोस्तों, और आज का विषय है नौहक्का। नौहक्का इस वीडियो के अंतर्गत हम नौहक्का किसे कहते हैं, किन किन तालों में नौहक्का कितने वर्ण में आएगा, नौहक्का का गणितीय स्वरूप के बारे में हम जानेंगे। पिछला वीडियो हमारा वेदम तिहाई कैसे लिपिबद्ध करते हैं और वेदम तिहाई के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा की गई थी। तो आज हम यहाँ पे जो है कि नौहक्का किसे कहते हैं, उनके महत्वपूर्ण तथ्य और कितने वर्णों की, किस ताल में कितने वर्णों की नौहक्का आती है, उसका गणितीय स्वरूप पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नौहक्का क्या है, नौहक्का किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, नौहक्का की परिभाषा क्या बन सकती है, क्या हम कह सकते हैं नौहक्का को, किसी भी बोल समूह को जब धार सहित 9 बार बजाते हम संपर आते हैं तो उसे हम नौहक्का कह सकते हैं। कोई भी बोल समूह हो, उसे हम बराबर होना चाहिए, प्रत्येक जितने भी पल्ले, चाहे वो पहला पल्ला हो, चाहे वो दूसरा पल्ला हो, चाहे तीसरा पल्ला हो, एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहला पल्ला हमारा में एक मात्रे का गैप है तो दूसरे पल्ले में आधे मात्रे का गैप हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समान बोल समूह होना चाहिए, धार सहित होना चाहिए। तो एक समान बोल समूह को जब हम 9 धा सहित बोल समूह को जब हम 9 बार बजा के सम पे आते हैं तो वो नौहक्का कहलाता है। ठीक है, तो हमारे देखिए नौहक्का में टोटल 9 धा होते हैं और हमारी एक रचना होती है 9 धा की रचना, जिसमें 9 धा होते हैं। और देखिए फरमाइशी चक्करदार जो है उसमें भी 9 धा होते हैं। तो जो फरमाइशी चक्करदार है उसे हम नौहक्का नहीं कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे बोलों की संख्या निश्चित अनियमित होती है, वहां की गैप जो होता है वो अनियमित होता है, कहीं एक मात्रे का, कहीं आधे मात्रे का, तो इस तरीके का भी गैप वहां पे होता रहता है। तो नौहक्का क्या है कि किसी भी बोल समूह को या कोई भी धा सहित बोल समूह है तो उसे हम जब 9 बार बजाएंगे, बजा के सम पे आते तो वो नौहक्का कहलाता है। तो आइए देखते हैं नौहक्का के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। पहला चीज क्या है कि किन तालों में नौहक्का का निर्माण किया जाता है और किन तालों में नौहक्का का निर्माण नहीं होता है। देखिए 9, 18 और 17 मात्रा की जो ताले हैं उसमें जो है कि नौहक्का बराबर लय में नहीं बन पाता है, जो नौहक्का इसमें जो है कि बराबर लय में नहीं बनेगा। ठीक है, तो आइए एक चार्ट हम आपको देते हैं कि किन तालों में कितने मात्रे का, कितने वर्ण का एक पल्ला होगा, जो नौहक्का क्रिएट होगा, कितना दम देना होगा, इसके बारे में हम, जो महत्वपूर्ण ताल है जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नेट हो, केवीएफ, डीजीटी, पीजीटी में जिन तालों में पूछा जाता है, उन तालों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, एक चार्ट हम बनाते हैं, उसके थ्रू आपको हम समझाते हैं कि नौहक्का कि किस किस तालों में कितने वर्ण का होगा और कितने दम की बात की जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर हम लिखते हैं ताल का नाम, ठीक है, ताल का नाम, और जिस ताल में हम करेंगे उस ताल की मात्रा, जो ताल यहां पे दिया जाएगा उसकी कितनी मात्राएं होती हैं वो, फिर उस ताल में जो है कि कितने वर्ण का कितने वर्ण का एक पल्ला होगा वर्ण, ठीक है, और यदि अगर दम है तो कितने मात्रे का दम या विश्रांति, ठीक है, विश्रांति होगी, हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे क्रम संख्या, ठीक है, पहला हम ताल ले लेते हैं झप ताल,
झप ताल, ठीक है। झप ताल में हम सबसे पहले नौहर का देखते थे कितने वर्ण का होगा, तो झप ताल मात्रा कितना होती है 10, ठीक है, 10 मात्रे की ताल होती है। तो अब देखिए कि कितना हमको लेना है, कि कोई भी बोल समूह लेंगे उसको हम जो है कि 9 बार ही बजाएंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 9 वर्ण की होगी, इसे दम नहीं होगा, ठीक है, दम यहां पे नहीं होगा। तो इसके हम लास्ट में आपको हम दो तालों में बताएंगे कि कैसे एक चार नंबर पहले आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर देते हैं, फिर लास्ट में मिलते हैं हम, फिर बात करेंगे कैसे ये 9 वर्ण का नौ का निर्मित होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा 11 मात्रा, ये तो हो गया 10 मात्रा की ताल, 11 मात्रा की ताल, रुद्रतम 11। ये नहीं है कि केवल रुद्र ताल की बात ही नहीं है यहां पे केवल हमने यहां पे ताल का नाम लिख दिया है, तो जो ताले 10 मात्रा की होंगी उसमें जो है कि 9 वर्ण का होगा, और जो ताल जो है कि 11 मात्रे की होगी उसमें कितने वर्ण का होगा ये देख लेते हैं। उसमें जो होगा 5 वर्ण का होगा, इसमें भी किसी भी मात्रा का दम या विश्रांति नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं 12 मात्रा की तालों में, जैसे एक ताल हम देख लेते हैं, एक ताल अर्थात 12 मात्रा की तालों में कितने वर्ण का नौहक का निर्मित होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो होगा यदि हमारा 9 वर्ण का ही होगा, 9 वर्ण, ठीक है, ये भी हमारा 9 वर्ण का, लेकिन इसमें 1-2 का गैप हम देते हैं, 1-2 का गैप देते हैं, टोटल कितने गैप देंगे, 8 गैप देंगे, 1-2 की विश्रांति, लगभग 2 मात्रे की विश्रांति हम देंगे, और टोटल कितनी विश्रांति होगी 8, तो 2 दम देंगे और टोटल विश्रांति कितनी 8 होगी, टोटल जो विश्रांति होगी 16, ठीक है। जो टोटल पूरे एक ताल में जो नौहक्का निर्मित होगा उसमें टोटल कितनी विश्रांति हो आएगी वो 16 है, और एक पल्ले की बात कितना 2 मात्रे का, 1 और 2 करके हम दम देंगे, तो वहां हमारा 2 मात्रे का दम होगा, ठीक है। आइए फिर हम देखते हैं नेक्स्ट चौथा 13 मात्रा, की तालों में, ठीक है, जो भी 13 मात्रा के ताल होंगे उसमें कितने वर्ण का होगा, ठीक है। आइए इसको देखते हैं, इसमें जो होगा वो 3 वर्ण का होगा, 3 वर्ण का, इसमें दम नहीं होगा, ठीक है, 13 हो गया। अब देखते हैं 14 मात्रा की ताल, 14 मात्रा की तालों में, ठीक है, 14 मात्रा की तालों में कितने का होगा, 9 वर्ण की तिहाई होगी, 9 वर्ण की तिहाई होगा, 9 वर्ण का होगा, और इसमें जो है कि 4 दम, ठीक है, 4 मात्रे की विश्रांति होगी, ठीक है। तो आइए फिर 15 मात्रे में देख लेते हैं, 15 मात्रा अर्थात बसंत पंचम सवारी मात्रा की तालों में, ठीक है, तो 15 मात्रा की तालों में कितने वर्ण का नौहक्का होगा, 15 मात्रा की तालों में 5 वर्ण का होगा, यहां पे 5 वर्ण, और जो गैप होगा वो 1-2 का गैप हम देते हैं, 1-2 का, इसमें टोटल 2 मात्रे का गैप होगा, तो टोटल 8 × 16, ठीक है, 2 × 8 × 16। तो आइए जो अब देखते हैं 16 मात्रे तालों में,
सातवां जो है सोलह मात्रा की धातु, सोलह मात्रा की तालों में जो है कि जो नौहक्का निर्मित होगा वो कितने वर्ण का होगा, आइए देख लेते हैं। वो भी हमारा नौ वर्ण का होगा, ठीक है। सोलह मात्रे की तालों में भी जो है नौहक्का हमारा जो है वो कितने मात्रे का होगा, कितने वर्ण का होगा, नौ वर्ण का होगा, ठीक है। और एक दो करके हम टोटल गैप दे देते हैं आठ, तो टोटल जो दम दिया जाता है, ये टोटल दम की संख्या है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि 16 मात्रा की तालों में कितने दम, नौहक्का में कितने दम दिए जाएंगे। तो अगर एक पल्ले की बात होती है तो दो मात्रे का, और अगर टोटल दम पूछा जाता है तो 16, ठीक है, 16 और ये 4, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि किस तरीके से किस ताल में, ठीक है, यहां पे हमने एक ताल रख दिया है, यहां पे हमको ताल लिख देना चाहिए, एक मिनट, इस पे हम जो कि दस मात्रा की तालों में, ठीक है, 11 मात्रा की तालों में, मात्रा की तालों में, और यहां पे 12 मात्रा की तालों में, ठीक है। तो आइए देखते हैं 10 मात्रा की ताल में जैसे झप ताल ले लो, 11 मात्रा की तालों में रुद्र ताल, 12 मात्रा की तालों में एक ताल, 13 मात्रा की ताल कौन सी होती है, रास ताल, ठीक है, 14 आड़ा चौताल, ठीक है, 15 मात्रा की तालों में पंचम स्वरानी, और 14 मात्रा तीन त्रिताल, ठीक है, त्रिताल। ये आपके पास जो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मात्रा की तालों में जो है कि हमने कुछ तालों के नाम ले लिए हैं, ठीक है, ताल, मात्रा की ताल, ठीक है। तो ये ताल है झप ताल, रुद्र ताल, एक ताल, रास ताल, आड़ा चौताल, पंचम स्वरानी। तो हमने उदाहरण दे दिया यहाँ पे इन तालों का, और यहाँ पे 10 मात्रा की कोई भी ताल होगी तो वो नौ वर्ण की होगी, इसमें दम नहीं होगा, और 11 मात्रा की तालों में रुद्र ताल पांच वर्ण, तो इसमें भी दम विश्रांति नहीं होगी। 12 मात्रा की तालों में जो है कि जैसे एक ताल अगर हम लेते हैं तो उसमें नौ वर्ण की होगी और दो मात्रे का दम होगा, टोटल 8 दम देंगे तो 8 × 16, तो टोटल जो दम होगा वो 16 होगा। फिर 13 मात्रा की तालों में जैसे रास ताल में तीन वर्ण क्या होगा, ठीक है, तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं। आइए इसको आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि झप ताल में कैसे नौहक्का तिहाई निर्मित होगी, ठीक है, झप ताल में नौहक्का कितने नौ वर्ण की है, तो वो कैसे नौ वर्ण की होगी, कैसे हम निकालेंगे उसको, इस पर हम डिस्कस करें। नोट कर लीजिए इसे आप सभी लोग। झप ताल में हमें बताना है, झप ताल में हम बात करेंगे पहले, सबसे पहले झप ताल, झप ताल में नौहक्का, झप ताल में नौहक्का, ठीक है। तो हमने बताया था आप लोगों को पीछे चार्ट में कि 10 मात्रा की तालों में जो है कि कितने वर्ण का होगा, 9 वर्ण का होगा, ठीक है। तो झप ताल की जो मात्रा होती है, झप ताल की मात्रा
कितने होती है 10। अब ये जो गणती स्वरूप में आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये देखिएगा आप लोग, गणती स्वरूप है ये नौका का कि कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। 10 मात्रे का होता है और हमने पीछे बताया कि जो कि नौका 10 मात्रे की तारों में वो 9 वर्ण का होता है, 9 वर्ण का, ठीक है। तो जब 9 वर्ण का होता है तो अब देखिए 9 बार बजाना है आपको, तो सीधे सीधे आप, अब देखिए या तो सीधे आप ऐसी संख्या लीजिए जो 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर पूरी तरीके से कट जाए, और अगर हम 10 से भाग देते हैं तो एक शेष फल बच जाए। तो ऐसी वो कौन सी संख्या है जिसे हम 9 से भाग देंगे तो पूरी तरीके से कटेगा और 10 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और लेकिन उतनी ही संख्या को हम 9 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी आना चाहिए। अगर जैसे मान लीजिए हमने 5 लिया, 5 ले लिया, 10 पचे 50 है कि 51 होता है, तो 50 और 10 से भाग देंगे तो आएगा, लेकिन 9 पचे 45 वो नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो आइए देखिए, तो जो 9 वर्ण है तो अगर हम 9 को, क्योंकि 9 बार हमको लिखना है, तो 9 × 9 = 81, ठीक है, 81। तो 9 वर्ण को जब हम 9 बार लिखेंगे तो टोटल हमारे पास मात्रा 81 हो जाएगा, और अगर हम इसे 10 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 10/80 एक 81/10। ये जो बचता है, ये शेषफल जो बचता, यहां पर जो शेष, ये देखिए आपको भाग देना है 81 में 10 का, तो 10 अठे 10 × 80 होता है, 1 शेषफल बचा। ये जो भाग फल गया, ये आपका आवर्तन क्रिएट, आवर्तन को यहां पे इंडिकेट करेगा, और ये जो ये पहली मात्रा जो सम को इंडिकेट करेगा, और ये ताल की मात्रा को इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये जो है कि सम को इंडिकेट करेगा, और ये जो है आवर्तन को, ठीक है, और ये जो है कि ताल की मात्रा, ठीक है, और ये जो जिसमें हमने क्या टोटल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, ठीक है, कुल वर्णों की संख्या जो हमने 9 × 9 किया, 81 आया, 81 में 10 का 10 से डिवाइड किया तो एक शेष बचा जो सम को प्रदर्शित कर रहा है, 8 ये आवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है, और ये 81 जो है कुल वर्णों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है जो ये है, और ये 10 जो है ये ताल की मात्रा, झक ताल की मात्रा को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी तालों में निकाल सकते हैं। तो आइए एक और ताल में देखते हैं, 11 मात्रा के ताल में देखते हैं, रुद्र ताल में, रुद्र ताल में 9 हक्का, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमें ऐसी संख्या पहले आप दिमाग में रखिए कि जो 11 से डिवाइड करने पर एक शेष बचे, और 9 से गुणा करने पे, 9 से भाग देने पे पूरी तरीके से कट जाए, तो कौन सी संख्या है जो 9 से कटेगा और 11 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर उतनी होनी चाहिए। देखिए वो संख्या जो है 45 है, कितना है 45, 11 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा, और 9 से काटेंगे तो 9 × 5 = 45 पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखिए 9 से अगर हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो इसमें पहले बता देते हैं कि ये रुद्र ताल में जो 11 मात्रा की जो ताल होती है उसमें जो कितने वर्ण का, 9 का एक वर्ण, एक पला होता है 9, 5 वर्ण का, ठीक है, 5 वर्ण का होता है। तो हमने बताया आपको कि ऐसी संख्या लेना है जो 11 से डिवाइड होने पर एक शेष फल बचे और 9 से पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, ठीक है। अब ले लीजिए आप ऐसी संख्या कोई, हम 45 लेते हैं, वह संख्या हमने लिया 45, ठीक है, 45 हमने वो संख्या ले ली, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 11, हमने बताया था कि 11 से काटने पे एक शेष बचना चाहिए और 9 से काटने पर पूरी तरीके से विभक्त होना चाहिए। आप डिवाइड कर लीजिए 11 चौक, देखिए यहां पे 11 डिवाइडेड बाय 45,
तो 11 फोर 44 वन, ठीक है, वन से बचा, ये आपको सम को इंडिकेट करता है, ठीक है। और यहां पे 45, अब 9 से डिवाइड कर लीजिए, हमें ये भी बताया था कि 9 से काटने पर पूरी तरीके से विभक्त हो जाए, तो ये देखिए 9 डिवाइडेड बाई 45, ठीक है, 9 5 9 5 45 पूरी तरीके से कट गया, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने आपको, ये है कि 9 से हमने काटा पूरी तरीके से कट गया, 11 से काटा एक शेष बच गया, तो वो संख्या हमारी 45 है। हम इस तरीके से भी इसे निकाल सकते हैं, अगर 5 वर्ण का है तो 5 वर्ण को हम 9 बार बजाएंगे, ठीक है, 5 वर्ण को 9 बार बजाएंगे, 9 बार, तो 9 5 × 9 कर देंगे तो कितना होगा 45। अब 45 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से, ताल की मात्रा से, तो हमारा ये आ गया, ठीक है, 11 फोर 44 1, जो वो ये 1 है ये सम को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और ये जो है आवर्तन को, आवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अन्य भी तालों में इसका आंसर जो है कि 5 वर्ण होगा, 5 वर्ण में 1 पल्ला आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 11 चौक 44 1 45 4 सही 1 बटा 11, ठीक है। तो ये हमारा आवर्तन, ये हमारी ताल की मात्रा, ये हमारे सम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी लोग अन्य तालों में भी नौहक्का कैसे बनेगी उसको आप निर्मित कर सकते हैं, ठीक है। पीछे चार्ट के माध्यम से आप चार्ट भी देख सकते हैं कि मैंने 10 11 13 14 15 16, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि जो त्रिताल की नौहक्का जो निर्मित होती है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो त्रिताल में नौहक्का आती है वो बराबर लय में नहीं आएगी, त्रिताल की नौहक्का वो किस लय में आएगी ये भी देख लीजिए, त्रिताल में नौहक्का आड़ लय में आएगी, आड़ लय में आएगी, ठीक है। यह भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि त्रिताल में नौहक्का जो है किस लय में आएगी, तो ये कभी बराबर लय में नहीं आएगी, त्रिताल में हमेशा जो है कि आड़ लय में आएगी। हमने आपको बताया था, इसके बारे में भी बता देता हूं आपको, देखिए हमने बताया था कि 9 वर्ण लेंगे, तो 9 वर्ण त्रिताल में जो है कितने वर्ण में आता है, 9 वर्ण में, एक पल्ला जो है 9 वर्ण का, ठीक है। तो जब इसको हम 9 बार बजाएंगे तो 9 × 9 = 81, ठीक है, 81 हुआ, 16 5 80, ठीक है। नहीं तो हमने आपको एक चीज ये भी बताया था कि आपको क्या करना है कि 1 2 का 8 वैव लेना है, जब हम 1 2 का वैव लेंगे, 2 मात्रा का जब वैव देंगे तो 8 वैव देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 16 16 8 × 2, ये गैप है, गैप, या हम इसे दम या विश्रांति, ठीक है, ये हमारी जो है विश्रांति है, ठीक है। तो 16 मात्रे की विश्रांति हो जाएगा, 16 को 81 में ऐड कर लीजिए, 81 + 16 = कितना होगा 97, ठीक है, 97 को आप 6 से डिवाइड कर लीजिए, 16 से डिवाइड कर लीजिए, ये आएगा 16 6 96, 16 जो है कि 96 होता है 1/16, आपको बताया था कि 16 से डिवाइड होने के बाद वो संख्या होनी चाहिए जो एक शेष फल बचे, तो जो एक, अब देखिए यहां पे आपको आप देख लीजिए 16 भागे 96 1 शेष बचा, ठीक है, ये शेष आपको जो कि सम को प्रदर्शित करता है और ये आपको आवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, और ये ताल की मात्रा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ताल में आप नौहक्का इस तरीके से निर्मित कर सकते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार।